तो चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां महापौर मुकेश टटवाल ने चक्रवर्ती शमशान घाट की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। टीन शेड को बदलने, नए प्लेटफॉर्म पर भी टीन शेड लगाने, साथ ही बाउंड्री वॉल की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। वहीं चक्रवर्ती पर सफाई व्यवस्था पाए जाने पर प्रशंसा भी की है। आपको बता दें कि महापौर ने चक्रवर्ती शमशान घाट स्थित 10 भुजाधारी गणेश मंदिर के पुजारी हेमंत इंगले से भी भेंट की। पुजारी इंगले ने महापौर को दर्शनार्थियों के लिए अलग से मार्ग बनाए जाने की मांग की है, जिसे कि दर्शनार्थियों को शव यात्रा के मध्य से न गुजरना पड़े। महापौर ने अलग से मार्ग बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। चक्रवर्ती पर आज हमने सारी व्यवस्थाओं को देखा है। हमारे नगर पालिका निगम के माध्यम से व्यवस्थाएं काफी अच्छी, बहुत सफाई व्यवस्था सारी चीज़ें वहाँ सब ठीक है। कुछ छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम भी करने के लिए कहा है। साथ ही जो हमारा शेड है, उसको शेड का चद्दर ख़राब हो गया है, तो उसका टेंडर लग चुका है, उसका काम भी जल्दी चालू हो जाएगा। और एक हम लोगों को बैठने के लिए सुविधा के लिए बड़ा डोम बनाने वाले, उसका भी हमें टेंडर लगाने वाले। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फायर सेफ्टी व विद्युत सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई। बता दें कि मंदिर में कार्यरत विद्युत कर्मचारी सुरक्षा गार्ड को अग्नि सुरक्षा यंत्र का उपयोग करने के साथ ही किसी घटना के दौरान सावधानियां रखने के लिए सुरक्षा ट्रेनिंग दी गई है। महाकालेश्वर मंदिर में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल कंपनी के सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर संजय ने मंदिर के सुरक्षा अधिकारियों और प्लाटून कमांडर दिलीप बामनिया द्वारा आग के 5 प्रकार के जलने वाले ईंधन की जानकारी दी है। आगजनी होने पर फायर ब्रिगेड के आने से पूर्व की सावधानियों के संबंध में बताया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर फिर बवाल मचा है। भस्म आरती के बाद भाजपा के संगठन प्रभारी महेंद्र सिंह और उनके धर्म पत्नी ने गर्भगृह में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। इस पर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि प्रोटोकॉल की आड़ में आम लोगों को गर्भगृह में जाने से रोक दिया गया है। पिछले कुछ समय से सिर्फ भाजपा नेताओं को ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी गई है। महाकाल मंदिर प्रशासन का दावा है कि दर्शन व्यवस्थाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। हालांकि सच तो यह है कि आम लोगों को गणेश मंडपम से दर्शन करवाए जाते हैं, जो बाबा महाकाल के गर्भगृह से करीब 80 मीटर दूर है। जी देखिए, गर्भगृह में दर्शन तो अभी अलाउ नहीं है। जो सामान्य दर्शन है वो प्रथम बैरिकेड और उसके पीछे गणेश मंडप और कार्तिक मंडप से होते हैं, और जैसे स्थिति आती है तो उस समय पे नंदी हॉल से भी दर्शन किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में कुछ परमिशंस इशू करी जाती हैं, वो ज़िला प्रोटोकॉल का मैटर है, तो विशेष परिस्थितियों में उनके द्वारा परमिशंस इशू करी जाती हैं। जी देखिए, गर्भगृह में दर्शन तो